पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद शुरू हुई हिंसा चुनाव परिणामों के बाद भी जारी है। ताजा घटनाक्रम की बात करें तो मतगणना के दौरान दक्षिण 24 परगना जिले में एक केंद्र के बाहर हिंसक झड़प हो गई, जिसमें दो इंडियन सेकुलर फ्रंट यानी ISF कार्यकर्ताओं समेत कुल 3 लोगों की मौत हो गई है। इन हत्याओं के तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगे हैं। वहीं इसके अलावा जिले के रायधिगी इलाके में एक राजनीतिक कार्यकर्ता की हत्या की भी खबर है। घटना 11 जुलाई की देर रात के बताई जा रही है, जब तृणमूल और ISF के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। इस दौरान भांगड़ में मतगणना केंद्र के बाहर बम फेंके गए। इस झड़प में ISF के 2 कार्यकर्ता रेजाबुल गाजी और हसन अली मोल्ला की मौत हो गई। वहीं हिंसा की चपेट में आने से एक अन्य व्यक्ति राजू मोल्ला के मरने की भी खबर है। पुलिस कर्मियों ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए कुछ राउंड रबर की गोलियां चलाईं और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। झड़प में एक वरिष्ठ IPS अधिकारी, उनके अंगरक्षक और कई अन्य पुलिसकर्मी और ISF के कुछ कथित सदस्य घायल हुए हैं। ISF की हत्याओं के लिए तृणमूल कांग्रेस के स्थानीय बाहुबली नेता अराबुल इस्लाम को जिम्मेदार ठहराया गया है। घटना से इलाके में भारी तनाव है, भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है। बता दें कि भांगड़ में इससे पहले पंचायत चुनाव के नामांकन और मतदान के दौरान भी तृणमूल और ISF के बीच जबरदस्त हिंसा हुई थी। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव में जारी हिंसा के बीच नामांकन से लेकर अभी तक राज्य में कुल 49 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इन हत्याओं के बाद कानून व्यवस्था को लेकर बंगाल की ममता सरकार पर सवाल उठ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी TMC सरकार को इसके लिए जिम्मेदार मान रही है।